देश में सीमा पर तैनात जवानों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आतंकी हमलों के कारण जवानों को देश के लिए शहीद होना पड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें आतंकवाद को रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि आतंकी हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत देश की रक्षा करने वाले शहीदों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। रविकांत ने बताया कि देश की सीमा पर दिन रात कार्य कर रहे हैं सेना के जवान, जवानों पर हमले होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा दोनों ही सरकारें आतंकवाद को रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती थी कि एक शहीद की जान के बदले 10 आतंकियों के सिर काटेंगे, लेकिन ये बात झूठी साबित हुई। हमारे देश के अंदर जो सीमाओं पे तैनात जवान हैं, वो उनके ऊपर जो आतंकी हमले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, उनका जो उनके प्रति एक संवेदना का जो होना चाहिए था वो नहीं है। उस ढंग से जो है जो आतंकी हमले के जवाब में सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं वो एक अहम बात है। लेकिन जो आम जनता का ये मानना है कि जो सरकारें हैं वो एक जुमलेबाजी करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम अगर आतंकी हमले होते हैं आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे, उनको अगर हमारा एक जवान शहीद होता है तो हम उनके सैकड़ों जवान को मतलब सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा है। और जो सुरक्षा की बात हम करें तो हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, तो जो आम नागरिक है वो भी सुरक्षित नहीं होगा। स्थानीय निवासी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आतंकी हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र की सरकार आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। उनकी सरकार बड़े बड़े वायदे करते थे कि आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा है। वहीं अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए, तभी पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। फौजियों की मौत की जो खबरें हम लोगों के पास पहुंच रही है उससे हम बड़े विचलित होते हैं। हम यही कहते हैं बार बार कि सरकार क्यों सोई है, ऐसे लोगों से बदला क्यों नहीं लेती। काफी इंतजार हो गया मोदी जी, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि इन लोगों की खबर ली जाए, ऐसी खबर ली जाए कि ताकि अपना सिर दोबारा ना उठा सके। पिछले दिनों में भी आपने देखा कि हमारे सिर तक काट के ले गए, तो आपने हिंदुस्तान की जनता को आश्वासन दिया था कि सिर के बदले सिर लिया जाएगा, परंतु ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक आपने जरूर की होगी, हमें तो इसके बारे में सुनाई दिया है सिर्फ, परंतु प्रमाण हमारे सामने नहीं आए कि एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी या नहीं हुई। तो अगर हुई होगी तो अच्छी बात है, ये लोग ऐसा ही डिजर्व करते हैं। सीमा पर जो सुरक्षा में जवान तैनात हैं और रोजाना हम देख रहे हैं कि जो सीमा पे हमारे जवान सुरक्षा कर रहे हैं, जो इस देश की रक्षा में जुटे हैं लगातार, जो है जब से हमारे देश के अंदर, चाहे वो पूर्व में केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे हमारे देश के अंदर वर्तमान में माननीय मोदी जी की सरकार है, दोनों सरकारें जो है हमारे देश के जो जवान हैं, जो जवानों पे जो आतंकी हमले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद है वो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर बन के उभरी है। उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में जो है कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारें जो है नाकाम रही है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो नेरचौक के जवान की बात हो, चाहे दो दिन पहले जो हमारे मंडी जिला से पंडोस से जो हमारे जवान इंदर सिंह जो मणिपुर के अंदर सुरक्षा में तैनात थे, उनकी जो है आतंकियों के द्वारा हत्या की गई है।